शशि जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनकी समस्या भी जान लेते हैं। शशि जी बताइए, क्या सवाल है आपका? नमस्ते। नमस्ते जी, सवाल करें। हमारे बच्चा का मेम उम्र है 25 वर्ष जी, और इसको मिर्गी की शिकायत है मैम जी। कब से है ये परेशानी? करीब 15 साल से है, और एलोपैथी की दवाई हम खिलाते हैं जी। और दवाएं कब से चल रही हैं? दवाई भी करीब 15 साल से चली रही है एलोपैथी जी। बिल्कुल, आइए जान लेते हैं हकीम साहब से कि आपकी परेशानी का हल क्या हो सकता है। हकीम साहब, देखिए मिर्गी में सबसे अच्छा इलाज वही है जो आप उन्हें दे रहे हैं, यानी एलोपैथिक इलाज बहुत कामयाब है। बिल्कुल रिस्क मत लीजिए और उन्हें वही इलाज कराएं। और मेरा काम है कि मैं सही इलाज की तरफ आपकी तवज्जो कर दूं। कोई और कुछ भी कहता रहे, लेकिन मेरा तजर्बा यह है कि जो आप इलाज ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आप बच्चे का वही इलाज लीजिए और वही संसार का बेहतर इलाज माना जाता है जी। एक और दर्शक हैं, करणजीत साहब ने हमें कॉल किया है जम्मू से। करणजीत जी, प्रश्न करें आप। जी वाले सलाम। सर मैं जम्मू से बोल जी जी फरमाइए। सर मैं जम्मू से बोल रहा हूँ जी, प्रश्न करें आप, हम आपको सुन पा रहे हैं। मेरा लड़का को 10 साल है उसकी उम्र जी, तो वो उसको ना वो पेशाब आते हैं ना, जब तो पेशाब बन गया उसका, वो थोड़ा सा तो थोड़ा टाइट हो गया है, उसको बड़ी परेशानी है। तो डॉक्टर को ये इलाज बताएं मुझे क्या करनी चाहिए जी। आप समझिए, 10 साल का बेटा है और पेशाब जब वो करते हैं तो उनको परेशानी होती है, तकलीफ होती है जी। ठीक है। अच्छा देखिए, एक नमक आता है जिसे कलौंजी का नमक या कलौंजी का एस्टेक या कलौंजी का रसायन कहते हैं। ये देखने में सफ़ेद होता है और जायके में नमकीन नहीं होता, लेकिन नमक कलौंजी कहते हैं इसे। ये 100 ग्राम खरीद लें और देखिए, एक चुटकी है ना आपकी, इसमें जितना भी आ जाए एक गिलास पानी मिलाकर उसे रोज़ पिला दिया करिए, और एक ही बार पिलाइए एक ही चुटकी, और आप देखिए 2-3 दिन लगातार देखिए कि उसको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। तकलीफ कम हो जाए तो एक ही खुराक दिया करें, और ऐसा लगे कि बिल्कुल फ़ायदा नहीं है तो एक बार शाम को भी आप ये एक चुटकी और भी दे सकते हैं, लेकिन एक चुटकी से ही शुरू करें, आपके बच्चे का ठीक होना मुमकिन है जी। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, सुमित जी ने हमें कॉल किया है बिहार से। सुमित जी, प्रश्न कर सकते हैं आप। सुमित जी प्रश्न करें जी। थकान पूरा होता है। क्या होता है? थकान। थकान होती है आपको? उम्र कितनी है आपकी? 45 साल उम्र है और थकान बहुत होती है। और देखिए, अगर मेहनत करके थकान होती है तो कोई बुरी बात नहीं है, इस उम्र में आदमी को थकान होने लगती है, और अगर बगैर मेहनत के थकान होती है, अगर बगैर मेहनत के थकान हो रही है तो फिर इसके लिए आप इलाज कर सकते हैं। 5 बार गर्म पानी रोज़ पिया करिए, गर्म गर्म, खूब गर्म, ऐसा गर्म कि जैसे चाय पीते हैं चुस्कियाँ लेके, और सुबह को धूप में निकला करिए, 1 घंटा धूप में रहा करिए, पैदल चल सकते हैं तो पैदल चलिए, नहीं धूप में बैठ जाया कीजिए, इससे भी थकान का मर्ज चला जाता है। और अगर फिर भी आपको लगे कि ठीक नहीं हो रहा तो 2 खजूर, 2 अंजीर और 1 केला और 1 पाव दूध का शेक बना के रोज़ाना 1 बार पिया करिए, इससे आपको फ़ायदा होना मुमकिन है जी। एक और दर्शक हैं, रजनी जी हमें कॉल कर रही हैं गुरुग्राम से। रजनी जी सवाल करें आप। हाँ हेलो जी, सवाल करें। हाँ जी, मेरे ना घुटनों में बहुत दर्द रहता है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 55 55 और घुटनों में दर्द रहता है।
उसने आपकी कॉल को चलिए आपका प्रश्न हमने सुन लिया है हकीम साहब, बटन दब गया इनका होल्ड का जी। रजनी जी आप तो मेरी बात सुन ही सकती हैं, अब तो मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। देखिए ये उम्र में ये दर्द होना संभाविक है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आपने इसका सही इलाज नहीं किया तो ये बड़ी बीमारी बन सकती है और हम ऑपरेशन तक चले जाते हैं। तो देखिए या तो आप कैप्सूल टी केयर टी फॉर टाइगर सुबह शाम खाएं, और अगर एक ही महीने में ठीक हो जाएं तो 2-3 महीने खाएं ताकि दोबारा बीमारी ना लौटे, या फिर आप ये जो गोंद स्याह एक बड़ा मशहूर गोंद है जो जायके में बहुत कड़वा होता है, तो आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम अगर मिल जाए, असली मिलना बड़ा मुश्किल है इसका, असली मिल जाए तो सुबह शाम खाएं, खाने के बाद तो ये 100 ग्राम भी मिल गया असली तो अपने ख़त्म होने से पहले आपके रोग को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है जी। बिहार से एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, शिवा जी ने हमें कॉल किया है। शिवा जी प्रश्न कर सकते हैं आप। हमें पसीना बहुत आता है आपसे जी। उम्र कितनी है आपकी? 20। तो पसीना आना तो स्वाभाविक है, कुछ और बताना चाहेंगे आप? बहुत ज्यादा पसीना आता है, ठंडी मौसम में भी बहुत ज्यादा पसीना आता है। ठंडे मौसम में भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है। हाँ देखिए अगर कोई ज़रूरी जांच करानी हो तो करा लें। पसीना आना तो बुरी बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा आना कुछ परेशानी भी कर सकता है, और इसके लिए नुस्खे भी अगर आप देखिए गोंद आता है गोंद मोरिंगा, ये 100-200 ग्राम खरीद लें और इसको पाउडर बना लें, रॉ मटेरियल लें, गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला लेना, सफ़ेद ही चाहिए आपके लिए और यही असली होता है गोंद मोरिंगा सफ़ेद, इसको पाउडर बना लें रॉ मटेरियल लेकर, और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम पानी में मिलाकर और आप पी लिया करें, इससे आपकी ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है जी। वाकई में एक और दर्शक हैं ग्वालियर से, हमें कॉल किया है धीरेन्द्र जी ने, बताइए क्या सवाल करना चाहते हैं आप? मैडम ये मुझको थोड़ा सुबह के शाम पे दिक्कत होती है, जुकाम होता है काफी करीब 2-3 महीने से प्रॉब्लम है, या पानी से छींटा मार लूं मुंह पे सुबह सुबह चेहरा धो तो जुकाम काफी तेज हो जाता है, छींके में। अच्छा ये समस्या कब से है आपके साथ और उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 30 साल हो रही है मैडम, लेकिन ये समस्या बीच में सही भी हो जाती थी, लेकिन अभी ये कोरोना के टाइम पे सर करीब करीब 2-3 महीने से ज्यादा है, चली जाती है आ जाती है, अचानक दिक्कत हो जाती है दवाई जी। हाँ देखिए कोरोना को भी आप जैसे लोगों से बहुत प्रेम है तो बहुत एहतियात वाली ज़िंदगी गुजारिए जब तक कोरोना काल रहे। अच्छा ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसका ठीक होना ही मुमकिन है, और मैं एक नुस्खा अक्सर शेयर करता हूँ, आप तो जानते हैं कि ये 2-3 चीज़ें लिख लीजिए, आप लिखेंगे नहीं तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। देखिए लिसोड़ा लिसोड़ा अलसी उन्नाव ये 3 चीज़ें आप ले 100-100 ग्राम, और 100 ग्राम आपको पीप लें लीजिए 100 ग्राम वो सॉरी पीप लें 30 ग्राम लेनी है और बाकी चीज़ें 100-100 ग्राम, इनको पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी से लिया करें और गर्म पानी पिया करें, जब भी पिए दिन में 5-6 बार गर्म पानी पी लें तो बहुत फ़ायदा होगा, और ठंडी प्रवृत्ति की चीज़ें छोड़ दें जैसे खट्टी चीज़ें और ठंडी चीज़ें खाना बंद कर दें 2-3 महीने के लिए, तो आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकते हैं। एक और दर्शक हैं हरीश चंद जी ने हमें कॉल किया है मथुरा से, स्वागत है कार्यक्रम में, किस तरह की परेशानी आपके सामने है बताएं। हाँ हकीम साहब नमस्कार जी। आदाब हकीम साहब, मेरे पैरों में दर्द है जी। हेलो बोलिए बोलिए पूरी बात बोलिए। हाँ हकीम साहब मेरे पैरों में दर्द है, गठिया पाए का कोई भी हो तो जी। ठीक है देखिए पैरों के दर्द का तो जो मैं नुस्खा बताता हूँ वो बहुत कामयाब है, बहुत कामयाब है।
और वो दो तरीके हैं बस उसको अच्छा करने के, एक तो गौंद स्याह अगर मिल जाए असली, अभी किसी का फ़ोन आया था उन्होंने नकली गौंद स्याह ले लिया कहीं से, गौंद स्याह वो कड़वा होता है बहुत, मैं बताता हूँ, कह रहे हैं कड़वा नहीं है, और गौंद स्याह एक काले गौंद को कहते हैं, ये इंतहाई कड़वा होता है, मैंने अपने जीवन में इतनी कड़वी चीज़ नहीं पाई, और असली जिसको मिल गया समझ लीजिए उसका काम हो गया, तो या तो वो मिल जाए गौंद स्याह और आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाएं, पानी या बगैर चर्बी के दूध से इस्तेमाल करें, और 100 ग्राम भी अगर मिल गया तो आप फ़ायदा पहुंचा कर ही ख़त्म होता है, ये 100 ग्राम भी जब तक आपका रोग नहीं चला जाता जब तक ये ख़त्म नहीं होता, या फिर कैप्सूल टी केयर आता है, कैप्सूल टी केयर टी फॉर टाइगर, ये आप सुबह शाम एक एक लेने से भी अपने दर्द से निजात पा सकते हैं। जी चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक हैं राशि जी ने हमें कॉल किया है, राशि जी बताएं किस तरह की बीमारी है जिसने आपको घेरा हुआ है। हेलो राशि जी बताएं। हेलो हाँ जी नमस्कार। नमस्ते जी बताएं। जी आदाब हकीमगंज। नमस्कार जी आदाब। राशि जी बताइए क्या सवाल। सर मुझे परेशानी ये है, मेरी उम्र है 43। जी हेलो जी बताएं। हेलो हम आपको सुन पा रहे हैं राशि जी। हाँ जी तो मैंने अपना MRI कराया था, उसमें नसें वीक आई हैं जी, और मेरे मुझे उठने बैठने में इतनी परेशानी होती है कि जैसे मैं नहाती हूँ या कुछ भी मतलब बैठ जाती हूँ तो मुझे हाथों के सहारे से उठना पड़ता है, मतलब घुटनों में मेरे बिल्कुल शक्ति नहीं है किसी भी तरह की कि मैं अपने पैरों के बल पे उठ पाऊं जी, और मोड़ने में भी दिक्कत होती है, कमर में भी दिक्कत होती है मेरे। बिल्कुल ठीक है राशि जी, इस उम्र में कमजोरी आती है, 40-45 में हमारी नसों में कमजोरी आती है और पार्ट्स ऑफ बॉडी में कमजोरी आती है, तो इससे मत घबराइए, ये एक पड़ाव है जिंदगी का जहाँ हमें अपनी यूनानी रिपेयर करानी चाहिए। अच्छा यूनानी रिपेयर का तरीका, एक तो ये घरेलू नुस्खा आप इस्तेमाल करें और आपको फ़ायदा हो जाए, कोशिश मेरी यही रहती है कि घरेलू नुस्खा कोई बता दूं। एक घरेलू नुस्खा जिसे हम गौंद स्याह कहते हैं, काला गौंद आता है, ये बहुत कड़वा होता है, असली मिल जाए अगर, नकली बहुत मिलता है, आधा आधा ग्राम सुबह शाम पानी से या बगैर चर्बी के दूध से या जूस से दो बार खाने के बाद लिया करें, 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया, नकली बहुत मिलता है, तो फिर आपको पहले फ़ायदा होगा फिर ये गौंद ख़त्म होगा, तो ये बहुत अच्छा गौंद है अगर आपको मिल जाए, रॉ मटेरियल लेना और पाउडर बनाकर आप आधा आधा ग्राम खाना शुरू करें। जी तो उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। एक और दर्शक हैं गुरुग्राम से हमें कॉल किया है जय सिंह साहब ने। जय जी क्या सवाल है आपका। हेलो जी सवाल करें। मेरा मैडम आवाज आवाज साफ नहीं आ रही भाई आपकी। मैं 65 साल का हूँ जी। जी और बीपी प्लस अस्थमा दो चीज का मैं इलाज चल रहा है मेरा, तो अस्थमा भी ज्यादा तो नहीं है, सांस वगैरह नहीं फूलता मगर वो पक लेता हूँ, प्लस जो बीपी वो भी कंट्रोल में उसका भी मेडिसिन चल रहा है, मैं चाह रहा था ये देसी दवा जी। ठीक है एक एक चीज का इलाज करिए आप, पहले अस्थमा से निमट लीजिए, अस्थमा इस वक्त बहुत परेशानी वाला है क्योंकि हमारे पूरे दुनिया में एक बीमारी चल रही है जो अस्थमा वाले को सबसे पहले परेशान करती है, तो एक तो गर्म पानी 5 बार पिया करें और देसी नुस्खा एक बता देता हूँ आपको, वो आप खुद बनाकर और इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है, खट्टी चीज़ें छोड़ दें बिल्कुल, और देखिए सपिस्तान उन्नाव और अलसी 100-100 ग्राम खरीद लें, और आपके किचन में होते हैं
पीपलें लीजिए 30 ग्राम, इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम खाया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है।